गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं कंप्यूटर शिक्षा नाम की एनजीओ से हूँ। कंप्यूटर शिक्षा बच्चों को फ्री कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करती है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को यह फिर बताना चाहता हूँ कि आपको इन कक्षाओं के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। यह कक्षा आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आज की कक्षा में आप सब यह सीखेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। अब मैं आप सबको कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ। कंप्यूटर एक ऐसी बिजली से चलने वाली मशीन है जिसके द्वारा हमारे बहुत से कार्यों को जल्दी पूरा कर देता है। आगे के चित्रों को देखकर आप सब समझ जाएंगे कि कंप्यूटर हमारे किन कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है और किस प्रकार से हमारे कार्यों को आसान कर देता है। इन चित्रों में 7 लोग हैं और वह अलग-अलग काम कर रहे हैं। अब इन लोगों को देखकर यह समझना है कि ये लोग क्या-क्या कार्य कर रहे हैं। अगर आप सभी ध्यान से देखें तो इन चित्र में एक लड़का ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, 2 लड़कियां किसी चीज को सर्च कर रही हैं, एक लड़का प्रोजेक्ट बना रहा है, एक लड़की ड्राइंग बना रही है, एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, एक लड़की किसी मुश्किल काम में फंसी है जो कि उनसे नहीं हो रहा है, वह सोच रही है कि वह काम कैसे होगा। इन सभी चित्रों को देखने के बाद क्या आप सब हमें ये बता सकते हैं कि यह सब काम हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं या नहीं? इन चित्रों को देखने के बाद आप सबको यह समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर और किस लिए किया जाता है। अगर किसी बच्चे को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब कुछ और चित्रों को देखें। कंप्यूटर से क्या क्या कार्य कर सकते हैं? कंप्यूटर से आप सब बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग करना, गाना सुनना, कैसा भी डॉक्यूमेंट बनाना या ऑफिस का कोई भी काम करना हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। दिए गए चित्रों को देखें और बताएं कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग हम लाइब्रेरी में बुक्स की जानकारी रखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से आप सब यह भी जान सकते हैं कि कितनी बुक्स स्टूडेंट लेके गए हैं और कितनी वापस आई है। बैंक में आप सब कंप्यूटर से पैसों के लेन देन की जानकारी रखने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर से एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजे जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर से टिकट की रिजर्वेशन की जाती है। कंप्यूटर्स हमें ट्रेन के बारे में जानकारी आसानी से देते हैं। ऑफिस में, हॉस्पिटल में, मेट्रो स्टेशन पे और स्कूल में, इन सभी जगहों पे कंप्यूटर्स का उपयोग होता है। सामने दिए गए चित्र को देखिए और बताइए, रेडियो का उपयोग क्यों करते हैं? पहले हम गाना और समाचार सुनने के लिए रेडियो का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर से गाना सुन सकते हैं, हम कंप्यूटर से समाचार पढ़ भी सकते हैं। टीवी का उपयोग क्यों करते हैं?
पहले आप टीवी से फिल्म और कार्टून देखते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर से आप सब फिल्म और कार्टून भी देख सकते हैं। ड्राइंग करने के लिए आप सभी बच्चे क्या उपयोग में लाते हैं? पहले आप सभी बच्चे ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग शीट उपयोग में लाते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर पे भी ड्राइंग कर सकते हैं। पहले हर एक कार्य, चाहे वह फिल्म देखना हो या गाना सुनना हो या पढ़ाई करना हो, हर कार्य के लिए आप सभी को अलग-अलग चीजों का उपयोग करना पड़ता था, पर अब एक कंप्यूटर आ जाने से ये सारे कार्य आप सभी कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। मतलब गाना सुनना हो तो कंप्यूटर, मूवी देखना हो तो कंप्यूटर, ड्राइंग बनाना हो तो कंप्यूटर, कुछ टाइप करना हो तो कंप्यूटर, गेम्स खेलना हो तो कंप्यूटर। इस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग हर काम के लिए कर सकते हैं। अब आप सभी बच्चे सामने दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि क्या आप सब इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि गुब्बारा फुलाने के लिए नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर से हवा नहीं भर सकते हैं। क्या आप कंप्यूटर से हिसाब जोड़ना घटाना कर सकते हैं? अर्थमैटिक ऑपरेशन के लिए, जी हाँ, आप सब कंप्यूटर पे हिसाब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर होता है। क्या हम कंप्यूटर पे ड्राइंग कर सकते हैं? आप सब कंप्यूटर पे ड्राइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्राइंग शीट होती है, जिसे हम आगे के भागों में सीखेंगे। क्या आप कंप्यूटर से रोटियां बना सकते हैं? कंप्यूटर से रोटी नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर से आप सब ड्राइंग और हिसाब तो कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से आप गुब्बारा और रोटियां नहीं बना सकते। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को टेबल या डेस्क पर रखकर उपयोग में लाया जाता है, इसलिए उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर के चार भाग होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग का काम करता है, मॉनिटर टीवी की तरह दिखता है, और जो काम हम कंप्यूटर पर करते हैं, इसके द्वारा आप उसे देख सकते हैं। कीबोर्ड का उपयोग टाइपिंग करने के लिए होता है, जैसे हमें कोई भी चीज लेनी हो तो हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में अगर कोई फाइल खोलनी हो या चुननी हो तो माउस का प्रयोग करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि इसके चार भाग होते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में थोड़ी परेशानी होती है। दूसरा, लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप में लैप का मतलब होता है गोद और टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो इसका मतलब वह कंप्यूटर जिसको आप अपनी गोद में रखकर उपयोग कर सकें। लैपटॉप कंप्यूटर के सभी भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर एक यूनिट में जुड़े हुए रहते हैं। लैपटॉप बैटरी युक्त होता है, इसको आप चार्ज करके बिना बिजली के घंटों उपयोग कर सकते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। इसे हम अपने बैग में रखकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तीसरा, नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप के जैसा ही होता है, पर यह लैपटॉप से भी छोटा होता है। इसका आकार हमारी लिखने वाली कॉपी की तरह होता है। इसका भी आप लैपटॉप की तरह ही उपयोग करते हैं।
चौथा स्मार्टफोन या पाम टॉप। स्मार्टफोन या पाम टॉप एक मोबाइल फोन के आकार का होता है। इसका उपयोग हम अपने हाथ में रखकर करते हैं। अगर आप इसे हिंदी में समझे तो पाम का मतलब होता है हथेली और टॉप का मतलब होता है ऊपर। इसका मतलब अपने हथेली में रखकर उपयोग करने वाला कंप्यूटर। आइए अब सीखें कि कंप्यूटर को किस प्रकार से ऑन करते हैं। दिए गए चित्र को देखें और बताएं आपके पास कौन सा कंप्यूटर है और उसे क्या कहते हैं। दिए गए चित्र को देखें, आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप अथवा नोटबुक कंप्यूटर में से कोई एक कंप्यूटर होगा। अगर आप सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे ऑन करने के लिए आप सीपीयू के पावर बटन को एक बार अपने हाथों से दबाएं, जिससे कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। आइए अब सीखते हैं नोटबुक अथवा लैपटॉप को ओपन करने का सही तरीका क्या होता है। नोटबुक या लैपटॉप के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले आप सब अपने बाएं हाथ से नीचे वाले हिस्से को दबाकर रखें। उसके बाद ऊपर वाले हिस्से के बीच में अपना दाहिना हाथ रखकर ऊपर उठाएं और उसे दिखाए गए चित्र की तरह रखें। दिए गए चित्र को देखें और आप अपनी नोटबुक या लैपटॉप में इस सिल्वर कलर के बटन को ढूंढें। उसके बाद इस सिल्वर कलर के बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करें। उसके बाद आपका नोटबुक या लैपटॉप ऑन होने लगेगा। अब आप सभी का कंप्यूटर ऑन हो गया। दिए गए चित्र को देखें और बताएं इस स्क्रीन को क्या कहते हैं। इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यह डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर की विंडो होती है जो हमें उन एप्लीकेशन और फोल्डर फाइल्स के बारे में बताती है जो फाइल्स को हम अपनी इच्छा से डेस्कटॉप पर सेव करते हैं और उन्हें हम सीधे खोल सकते हैं। आइए अब कंप्यूटर को चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आप कौन सा कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं, मतलब कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं या फिर लैपटॉप या नोटबुक। अगर आप सब डेस्कटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो आप माउस का प्रयोग करेंगे। माउस के अंदर तीन बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन, जो कि सामने चित्र में दिखाया जा रहा है। लेफ्ट बटन का उपयोग आप सबसे ज्यादा करते हैं। इससे आप फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट बटन से आप सब कंप्यूटर को रिफ्रेश, न्यू फोल्डर, रीनेम फाइल, डिलीट इत्यादि कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन से आप पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर आप नोटबुक या लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो आप सब टचपैड का उपयोग करेंगे। सामने दी गई चित्र को देखें और फिर अपने नोटबुक में ऐसे दी गई चित्र को देखें। इसे टचपैड कहते हैं। यह टचपैड नोटबुक या लैपटॉप के लिए हमारे दोनों हाथ की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे पास दो हाथ होता है, बायां और दाहिना, वैसे ही कंप्यूटर के दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट बटन। आप सब अपने टचपैड के लेफ्ट बटन का सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे, चाहे आपको फाइल ओपन करनी हो या किसी चीज को सेलेक्ट करना हो, हम लेफ्ट बटन का उपयोग करेंगे। राइट बटन का उपयोग कंप्यूटर को, जैसा कि जानते हैं, रिफ्रेश और फोल्डर बनाने के लिए करते हैं। सामने दिखाया जा रहा चित्र
आपके टचपैड का है और इसे देखकर अपने नोटबुक या लैपटॉप में ढूंढें। अब आप सब सामने डेस्कटॉप यानी स्क्रीन पर देखें, आपको छोटा सा तीर दिख रहा होगा। इस तीर को कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। आप सब इस कर्सर पॉइंटर की मदद से किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं। कर्सर या पॉइंटर को हम अपने माउस या टचपैड के उपयोग से चलाते हैं। अब आप सभी अपने राइट हैंड से अपने माउस को पकड़ें या टच पैड पर अपने राइट हैंड का एक फिंगर रखें और उसे गोल गोल घुमाएं और आप सब अपने स्क्रीन पर देखें। आपका कर्सर या पॉइंटर इधर उधर घूम रहा होगा। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद इस स्टार्ट बटन पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहां पे अपने पॉइंटर को लेकर जाना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस शटडाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। आज की कक्षा में हमने सीखा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर और किस कार्य के लिए करते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, टचपैड या माउस क्या होता है और कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और इसके सहायता से कंप्यूटर सीखना शुरू किया। आपको यह कक्षा कैसी लगी हमें बताएं। सामने दिखाया जा रहा है ईमेल आईडी पर आप अपने कमेंट्स भेजें। धन्यवाद।